हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो की थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो की टॉपिक क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं विच वन वी शुड बाय, द लैक्मे लूमिक क्रीम और एनवाई बेस स्ट्रोक क्रीम। पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अदर सोशल साइट पे भी हूँ, लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इफ यू वांट टू फॉलो मी देयर, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, प्लीज चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इन दोनों की पैकेजिंग को कंपेयर करते हैं। पहले बात करते हैं लैक्मे लूमी क्रीम के बारे में। तो इसके साथ एक आउटर पैकेजिंग आता है जो कि एक व्हाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन में एक कार्डबोर्ड में आता है, जो मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो जो भी है, उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। अभी बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग के बारे में। तो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, एक व्हाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन में इसकी इनर पैकेजिंग है, और यहाँ पे कुछ ग्लिटरी इफेक्ट भी दिया हुआ है। और ये ऐसे ओपन होता है, जो ये जो ओपनर है ये मुझे खास नहीं लगता है, क्योंकि इससे ना प्रोडक्ट काफी मेसी होता है। तो अभी बात करते हैं एनवाई बे प्रो स्ट्रोक क्रीम के बारे में। इसमें कोई अलग से आउटर पैकेजिंग नहीं आती है, जो है यही है। ये भी एक व्हाइट प्लास्टिक ट्यूब में आते हैं, और इसकी जो ये टिप है, इसे प्रोडक्ट यूज करने में बहुत इजी होती है। तो अगर इन दोनों की पैकेजिंग कंपेयर किया जाए तो मैं लैक्मे लूमी क्रीम को पहले नंबर पे रखूंगी, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम से ज्यादा अच्छी है। तो अभी इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। लैक्मे लूमी क्रीम की एक्सैक्टली प्राइस है 299 रूपीज, और आपको 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा। और एनवाई बे की एक्सैक्टली प्राइस है 249 रूपीज, और आपको 12 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्राइस वाइज देखा जाए तो एनवाई बे लैक्मे लूमी क्रीम से थोड़ा सा प्राइसिंग हो, क्योंकि 50 रूपीज एक्स्ट्रा देके आपको डबल प्रोडक्ट मिलेगी इसमें। तो लैक्मे लूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विथ हाइलाइटर है, जो आपको स्किन बेनिफिट्स देगी। और एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम ये सिर्फ मेकअप एसेंशियल है, जिसे आप मेकअप करने के समय ही यूज कर सकते हो। और जो लैक्मे लूमी क्रीम है वो आप एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। तो लैक्मे लूमी क्रीम की जो टेक्सचर है ये बहुत ही रनी है, बहुत थिन है, और इसमें आपको बहुत थोड़ा सा ही शीन दिखाई देगी, और जो आपकी स्किन पे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अभी एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम की टेक्सचर को देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रोक क्रीम है ये बिल्कुल भी रनी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक है, और इसका जो शाइन है कि बहुत ज्यादा है। तो एनवाई बे की जो शाइन है वो लैक्मे लूमी क्रीम से बहुत ज्यादा है। आप एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम को डेली यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लैक्मे लूमी क्रीम को डेली यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पिंकी एक सॉफ्ट ग्लो प्रोवाइड करता है, और एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम बहुत ज्यादा शाइन करता है। लैक्मे लूमी क्रीम को एज अ मॉइस्चराइजर फेस पे अप्लाई करके, देन फाउंडेशन पे मिक्स करके अप्लाई करने से बहुत अच्छा एक ग्लो देता है, बहुत अच्छा एक फिनिश आता है। लेकिन एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम को 2 टाइम्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन करता है। तो एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, खासकर कि जिनकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उनके साथ ये ज्यादा होता है। लेकिन लैक्मे लूमी क्रीम के साथ ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी होते हैं इसमें। मेरे हिसाब से दोनों ही अपने अपने जगह अच्छे हैं। लैक्मे लूमी क्रीम आपको सॉफ्ट सटल ग्लो देगी, जो डेली यूज के लिए और लाइट फंक्शन के लिए, जो अपने फेस पे एक सॉफ्ट चिन पसंद है, दे कैन यूज लैक्मे लूमी क्रीम। और जिनके फेस पे एक एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हैं, एक ग्लैमरस लुक चाहते हैं, दे कैन यूज एनवाई बे स्ट्रोक क्रीम। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।